Hello everybody, it's sufficient time. I had discussed the doubts of friction from HCV. मैंने friction chapter पूरी तरह से समझा दिया था, उसका theory portion complete करा दिया था और साथ साथ में HC वर्मा के आपने जितने doubts पूछे थे वह भी solve करवा दिए थे. कुछ 10-12 problems मैंने HCV से discuss कराए थे and that is sufficient number of problems over friction. अब इसके बाद मैंने आपको यह स्टडी पैकेज दे रखा है, इट्स कंबाइंड स्टडी पैकेज फॉर एनएलएम एंड फ्रिक्शन. और मैं अब इस स्टडी पैकेज का डिस्कशन करवाता हूं. ऑल्दो मेरी कोशिश है अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स डिस्कस कराने की, मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को कम करने के बजाय अधिक करना चाहता हूं, क्योंकि जितने अधिक प्रॉब्लम्स हम क्लास में देखेंगे डिस्कस करेंगे उतना ही अधिक जो नॉलेज है फ्रिक्शन को लेकर और एनएलएम को लेकर जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वह बेहतर होती जाएगी. पर एक बात मैं और बता देता हूं, प्रॉब्लम्स जो मैं डिस्कस कराऊंगा इट्स नॉट लाइक कि मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा. मैं प्रॉब्लम को पढ़ना देखना समझना उसको उसमें कंसेप्ट को क्रैक करना उसमें की स्टेप्स वह सारी बातें बताऊंगा और इक्वेशंस लिख लिख कर छोड़ दूंगा. फिर फर्दर उसको सॉल्व करके आंसर लाना वो आपका काम होगा. मतलब मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका समझाऊंगा, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें वह समझाऊंगा और आगे वह काम आपको करना होगा. चलिए एनएलएम और फ्रिक्शन के स्टडी पैकेज को सॉल्व करना चालू करते हैं. मैं सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज ऑन न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन, बेसिक एक्सरसाइज से प्रॉब्लम्स जो मेरे पास में आए हैं इनको डिस्कस कराता हूं. एक तो सेकंड प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम और सेवेंथ प्रॉब्लम, नाइन्थ, थर्टीन, फोर्टीन, और सेवेंटीन. नाइनटीन, ट्वेंटी. इन प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं आज डिस्कस कराने का टारगेट रखता हूं. देखते हैं कितने हो पाते हैं. Let's start reading second problem. Second problem को बड़े ध्यान से देखें, हम इसे solve करेंगे. In the arrangement shown in figure, एक figure दिया हुआ है, इस figure को हम बना लेते हैं. इस तरह का एक 30 degree से के angle पर एक inclined plane है, इधर पुली, इधर कैपिटल मास M और यह एक पुली से बंधा हुआ, इधर मास M1, इधर मास M2, दिस कैपिटल मास M, दिस A एंड दिस B. In the arrangement shown in figure, the mass M is 45 kg, capital mass M is 45 kg, a smooth inclined plane which is at an angle of 30 degree. मैं इसे एंगल थीटा लिखता हूं, this theta is 30 degree. The string are weightless and pulley are smooth. The pulley A is of negligible mass while pulley B is of mass 1.5 kg. This small mass M, this is 1.5 kg. The mass M1 is 12 kg, mass M1 is 12 kg and mass M2 is 8 kg. Find acceleration of M1 when system is released. देखिए इस सिचुएशन को मैं सिर्फ सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं. इधर एक्सीलरेशन को
असाइन करना और उन्हें रिलेट करना, यह एक बड़ा चैलेंज है और वही सबसे इंटरेस्टिंग काम है। यदि वहां कर लिया उसके बाद में आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसके लिए इक्वेशंस लिखेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले एक्सीलरेशंस को असाइन करता हूं और उन्हें रिलेट करता हूं। यह मास 45 केजी है, इनफैक्ट यह नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि इधर टोटल मास 12 प्लस 8 प्लस 1.5 कम है। इधर मैंने एक्सीलरेशन ए कहा इस ब्लॉक का, तो यह पुली ऊपर की तरफ ए एक्सीलरेशन से जाएगी। अब इसके अलावा एक और मूवमेंट होएगा, यह जो सिस्टम है मास m1 m2 की वजह से यह और एक्सीलरेट होएगा पुली के अबाउट, और मैं कहता हूं पुली के रेस्पेक्ट में मास m1 का रिलेटिव एक्सीलरेशन ए रिलेटिव, क्योंकि m1 हैवी है इसलिए नीचे आएगा, और m2 का ए रिलेटिव ऊपर की तरफ। अब मैं कहता हूं a1 इज एक्सीलरेशन ऑफ मास 1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पुली के साथ a से ऊपर जा रहा है, सो a माइनस a रिलेटिव अप, और a2 इज a प्लस a रिलेटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन। यह बात ध्यान से देख लीजिए, हमें a1 डिटरमाइन करना है, दिस इज नीडेड टू बी सॉल्व। मास m1 का एक्सीलरेशन पूछा हुआ है a माइनस a रिलेटिव, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं जरा देखिए, यह मास 45 केजी नीचे की तरफ आएगा क्योंकि इस टोटल मास से अधिक है, तो यह नीचे इसको खींचेगा। यदि नेगेटिव वैल्यू आई तो इसका मतलब ऊपर जा रहा है एनीवे, और यह पुली ए से ऊपर जाएगी, पुली के रेस्पेक्ट में मास m1 ए रिलेटिव से नीचे, मास m2 ए रिलेटिव से ऊपर, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मास m1 पुली ए से ऊपर जा रही है और पुली के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ जा रहा है, सो ए माइनस ए रिलेटिव, दिस अपवर्ड एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर मास m1। And for mass m2, with respect to ground, the acceleration would be a with the pulley and a relative along with the pulley, with respect to pulley. यह mass m2 का acceleration होएगा। यह acceleration सबसे पहले हमें assign करना है और relate कर देना है। हमने दो variable लिए हैं a और a relative, और उसके terms में सबके acceleration हमें दिख रहे हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम सेकेंड स्टेप इज चूजिंग द अप्रोप्रिएट फ्री बॉडी डायग्राम, हमें अप्रोप्रिएट फ्री बॉडी डायग्राम चूज करना होता है। अब देखिए हम फ्री बॉडी डायग्राम चूज कर लेते हैं, पहला फ्री बॉडी डायग्राम तो मैं यह मास m का लूंगा, दिस इज द फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम जो मैं लूंगा दैट इज दिस पुली, यह दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम होगा, और तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम मैं लूंगा दिस मास m1 एंड दिस मास m2, दिस m एंड दिस कैपिटल m, यह चार फ्री बॉडी डायग्राम मैं लूंगा। अब देखिए इस थ्रेड में टेंशन t1, इसमें t2, तो देखिए अब मैं एक्सटर्नल फोर्सेस इंडिकेट कर देता हूं, इस थ्रेड की वजह से यह टेंशन T1 और यह एक्सीलरेशन ए नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन N और mg
इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम mg को रिजॉल्व करके यहीं पर दिखा देते हैं, mg cos 30, mg sin 30। दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉन फॉर दिस मास। अब जरा पुली के लिए, पुली के लिए हम कहेंगे टेंशन T1 ऊपर की तरफ और इधर टेंशन T2, इधर टेंशन T2, यह पुली ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, पुली का मास m है। अब इस मास के लिए टेंशन T2 ऊपर की तरफ, m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में और यह नीचे की तरफ a1 एक्सीलरेशन से, वेयर a1 इज गिवन टू अस। मास m2 के लिए टेंशन T2, m2g और यह a2, सॉरी a1 अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट करा है मैंने, तो a1 और a2 भी अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ दिस आर द फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉन विथ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। यह फ्री बॉडी डायग्राम मास m के लिए, इस पुली के लिए फ्री बॉडी डायग्राम एक अलग बनाया और इस ब्लॉक के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम एक अलग बनाया मैंने और इस ब्लॉक के लिए। अब मैं सभी के लिए इक्वेशंस लिख देता हूं। सभी के लिए इक्वेशंस में क्या करता हूं, अप्रोप्रिएट प्लेस पर लिखता हूं, इसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, आई विल राइट इट हियर। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos 30, ऑल्दो दिस आर रिडंडेंट इक्वेशन, यह कोई उपयोगी इक्वेशन नहीं है, कोई काम नहीं आएगी। अलोंग द प्लेन mg sin थीटा माइनस T1 इज इक्वल टू कैपिटल MA, इधर कैपिटल मास m लिखना होगा मुझको। दिस आर द टू इक्वेशंस रिटन फॉर दिस फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं इस पुली के लिए इक्वेशन लिखता हूं, ये दो इक्वेशन मैं पहले ही लिख चुका हूं। अब पुली के लिए इक्वेशन लिखता हूं, पुली के लिए मैं लिखूंगा, पुली ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन से, T1 माइनस 2T इज इक्वल टू MA। T1 माइनस 2T2, दिस इज द इक्वेशन रिटन फॉर द पुली। अब इस मास के लिए इक्वेशन लिखता हूं, T2 माइनस m1g इक्वल टू m1 a1, दिस इक्वेशन रिटन फॉर दिस फ्री बॉडी डायग्राम। और इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए T2 माइनस m2g इक्वल टू m2 a2, दिस आर द रेलेवेंट इक्वेशंस। एज आई टोल्ड यू, मैं सिर्फ यहीं तक करूंगा, इसके बाद अब आगे आपको सॉल्व करना है और चेक करना है। ध्यान रहे इक्वेशंस कितनी बन गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह 7 इक्वेशन बनी है, जिसमें से यह एक रिडंडेंट इक्वेशन है, किसी काम की नहीं है, और उसमें एक अलग वेरिएबल भी जुड़ा हुआ है, तो इस वेरिएबल को भी हटा दो, इस इक्वेशन को भी हटा दो। अब हमारे पास 6 इक्वेशन है और 6 ही वेरिएबल्स हैं, एक तो ए और ए रिलेटिव, A1, A2, T1, T2, A और A रिलेटिव, A1, A2, T1, T2, ये 6 इक्वेशन से और 6 वेरिएबल से आप बड़ी आसानी से किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। यू नीड टू सॉल्व फॉर A1, आप सॉल्व कीजिए। मैं सबसे पहले इस स्टेप में हमने एक्सीलरेशंस को
असाइन करा और उन्हें रिलेट कर दिया। दूसरे स्टेप में हमने फ्री बॉडी डायग्राम चूज करे, फ्री बॉडी डायग्राम चूज करके उन पर एक्सटर्नल फोर्सेस इंडिकेट कर दिए, जहां आवश्यकता थी वहां फोर्सेस को रिजॉल्व करा और फिर इक्वेशंस बनाई, अब इन्हें सॉल्व करना है, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। आई विल मूव ऑन टू फोर्थ प्रॉब्लम, इसे बड़े ध्यान से देखिए। Now let's start reading the fourth problem. On fourth problem read karna chalu karte. A pulley fixed to ceiling of a lift carries a thread. There is a lift and we have got a pulley fixed to ceiling of a lift carries a thread whose end are attached to a load of mass 4 kg. Whose end are attached to a load of mass 4 kg and 3 kg. The lift starts going down with acceleration of 40 मीटर पर सेकंड, नहीं ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्शन कर लीजिए, लिफ्ट स्टार्ट गोइंग डाउन विथ एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलेटेड टू शाफ्ट। ऑन द लिफ्ट, ये जो लिफ्ट है यह अल्टीमेटली एक शाफ्ट से टाइड रहती है उसके रेस्पेक्ट, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव टू शाफ्ट का मतलब है रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू शाफ्ट का मतलब हमेशा होता है रिलेटिव टू ग्राउंड, क्योंकि लिफ्ट जो है वो ऊपर किसी शाफ्ट से फिक्स रहती है, वो शाफ्ट रेस्ट पर रहता। तो यह लिफ्ट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है, एक्सीलरेशन ऑफ लोड 4 केजी रिलेटिव टू शाफ्ट ऑफ द लिफ्ट एंड रिलेटिव टू द लिफ्ट एंड force exerted by pulley on the ceiling of the lift. देखिए हम इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एक्सीलरेशन को assign करते हैं, इसको हम मास m1 कह देते हैं और इसको मास m2 और इसका हम रिलेटिव एक्सीलरेशन a नीचे की तरफ और रिलेटिव एक्सीलरेशन a ऊपर की तरफ, दिस रिलेटिव एज विथ रेस्पेक्ट टू पुली, इस पुली के रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, दिस ए रिलेटिव एज विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब हम कहते हैं ए वन, ए वन इज नीचे की तरफ लिखता हूं मैं, ए रिलेटिव प्लस ए डाउन एंड ए टू इज ए रिलेटिव माइनस ए अप, दिस ए वन एंड ए टू। यह पहला स्टेप हो चुका है, पहले स्टेप में मैंने एक्सीलरेशंस को एजाइन करा और उन्हें रिलेट कर दिया। अब दूसरे स्टेप में मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद मैं एक्सटर्नल फोर्सेस इंडिकेट करूंगा, इधर रिजॉल्व करने की तो आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। मैं फ्री बॉडी डायग्राम एक तो यह बनाता हूं, मास m1, मास m1, दूसरा यह बनाता हूं मास m2 और तीसरा यह
पुली, यह तीन फ्री बॉडी डायग्राम सफिशिएंट है। अब देखिए, हम कहेंगे मास m1 पर एक तो T टेंशन इस तरफ और m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका एक्सीलरेशन डाउन है a1, और m2 के लिए T ऊपर की तरफ और m2g नीचे की तरफ, और इसका एक्सीलरेशन a2 है ऊपर की तरफ। और इस पुली के लिए हम कहेंगे T नॉट, दिस इज आस्ट, यहां T नॉट पूछा गया है, इधर T और इधर T, और ये रेस्ट पर है। अब हम कहेंगे, इक्वेशंस बना देता हूं, इधर मैं लिखूंगा एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए वन, इधर मैं लिखूंगा टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए टू, और इसके लिए लिखूंगा टी नॉट इज इक्वल टू टू टी। दिस आर द रेलेवेंट इक्वेशंस। और अब हमसे जो पूछा गया है, एक्सीलरेशन ऑफ लोड ए रिलेटिव टू शाफ्ट ए वन सॉल्व कर दीजिए, रिलेटिव टू लिफ्ट ए रिलेटिव के लिए सॉल्व कर दीजिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली ऑन द सीलिंग टी नॉट के लिए सॉल्व कर दीजिए, इन तीनों के लिए सॉल्व करके अब आंसर लिख दीजिए। दिस आर द फ्री बॉडी डायग्राम with all the external forces drawn and all the equations, सारी equations भी मैंने लिख दिए, बड़े ध्यान से देखिए।